वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललिता आठी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो फर्स्ट की 3 यूनिट्स हैं वो तीनों कवर अप कर ली हैं एज पर AKTU न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि हमने उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 3 यूनिट्स थी वो 3 की 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं। उस प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन यूनिट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कमेंट बॉक्स करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अब हम यूनिट नंबर 4th पर हैं जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। ठीक है, यानी कि इस यूनिट का नाम फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र है जिसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑल अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। अगर आप आज की वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड हैं और मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी तरीके का 2 मार्क्स का या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए डेरिवेशन की फॉर्म में, आप कहीं पे भी गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानेंगे सारा। ऑप्टिकल फाइबर्स के जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और जो एक डेरिवेशन है उन टर्मिनोलॉजीज के बीच में रिलेशन बताता है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। थोड़ा सा उससे पहले मैं यूनिट 4th के सिलेबस से आपको रूबरू करा देता हूँ जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेन भाग गया था। ठीक है, हाँ, सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस यूनिट के 2 पार्ट्स हैं, एक है फाइबर ऑप्टिक्स और दूसरा है लेज़र। ठीक है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पढ़ना है, इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़नी है, एक्सेप्टेंस एंगल पढ़ना है, न्यूमेरिकल अपर्चर पढ़ना है, एक्सेप्टेंस कोण पढ़ना है। ये सब इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होती हैं। उसके बाद हम स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर पढ़ेंगे जो इसके टाइप्स होते हैं। फिर हम फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, जो हम वैसे बेसिकली स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं लेकिन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन है यहाँ पर, तो यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स की हेल्प से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन कहलाता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर इसमें जो लॉसेज होते हैं जैसे एटेन्यूएशन लॉस, डिस्पर्सन लॉस, और उसके बाद हम एप्लीकेशन इसकी देखेंगे। तो आई होप आपको सिलेबस थोड़ा सा पता चला होगा कि जो हमारा यूनिट 4th का चैप्टर 1st है फाइबर ऑप्टिक्स वो क्या क्या सिलेबस को बता रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम इस वीडियो को यानी कि इस सिलेबस को जो है वो 3 वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्टिकल फाइबर या उसका स्ट्रक्चर, उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसमें रिलेशन, फिर दूसरी वाली जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को कवर अप करेंगे, और जो लास्ट वीडियो होगी उसमें हम लॉसेज को ले लेंगे, एटेन्यूएशन, डिस्पर्सन और उसकी एप्लीकेशंस। तो ये हमारा टारगेट है कि हम इस चैप्टर को 3 यूनिट में कवर अप 3 वीडियोज़ में सॉरी कवर अप कर लें। फिर जो सेकेंड चैप्टर है लेज़र, उसमें आप एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये टर्म्स पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड टर्म्स आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन है, आइंस्टीन कॉफिशियंट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लेज़र में सॉलिड स्टेट लेज़र यानी कि रूबी लेज़र पढ़ेंगे, और फिर आप गैस लेज़र यानी कि हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ेंगे, और लास्ट में लेज़र की एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर को भी हम कोशिश करेंगे कि 3 वीडियोज़ में कवर अप कर लें, अलग अलग पार्ट्स में टॉपिक्स को डिवाइड करके। ठीक है, तो आई होप यूनिट 4th का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंजीनियर्स गेटवे की इस यूनिट से रिलेटेड आगे की जो मेथड है या फिर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो चीज़ भी आपको पता चल गई होगी कि कैसे हम इनको कवर अप करने वाले। चलिए अब हम पहला चैप्टर जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसको देखते हैं क्या है। तो पहले हम फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में समझ लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फाइबर ऑप्टिक्स, मैंने ऊपर सबसे हेडिंग लिखा हुआ है और उसके बारे में क्या लिखा है, फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फाइबर, कोई भी नाम से आप जान सकते हैं, कोई भी नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऑप्टिकल फाइबर बोल दीजिए या फाइबर ऑप्टिक्स बोल दीजिए, रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज लाइट पल्सेस अलोंग ए ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। कहने का मतलब ये है कि फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से आप इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट करते हैं बिन वो भी इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस, और वो अलोंग द यानी कि ग्लास और प्लास्टिक फाइबर होते हैं। ठीक है,
तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, अगर आप कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वो डेटा आप लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे ड्यू टू द फाइबर, और वो आपका ऑप्टिकल फाइबर कहलाएगा, ठीक है, और वो आपका ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। आगे, द फाइबर ऑप्टिक्स केबल कैन कंटेन ए वेरिंग नंबर ऑफ दीज ग्लास फाइबर्स, यानी कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लास फाइबर्स होते हैं जिससे एक आपका ऑप्टिकल केबल बना होगा, ठीक है। फ्रॉम ए फ्यू अप टू ए कपल हंड्रेड, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माना हंड्रेड से आप कपल ऑफ हंड्रेड्स तक जो उसमें फाइबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। अनदर ग्लास लेयर कॉल्ड द क्लेडिंग सराउंडेड द ग्लास फाइबर कोर, यानी कि ये जो थाउजेंड्स कपल ऑफ हंड्रेड्स आपके ग्लास फाइबर्स हैं वो कोर कहलाते हैं, और इस कोर को जो आपका घेरे हुए होता है वो क्लेडिंग है, तो दूसरा मीडियम आपका क्लेडिंग हो जाता है। द बफर ट्यूब लेयर प्रोटेक्ट्स द क्लेडिंग एंड ए जैकेट लेयर एक्ट एज द फाइनल प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द इंडिविजुअल स्टैंडर्ड, और उसके बाद क्लेडिंग के ऊपर भी एक जैकेट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन करने का काम करती है इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स और उसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर एडवांटेजेस ओवर कॉपर केबल, यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो बेसिकली इनकी एडवांटेज को लेकर यूज होते हैं ओवर द कॉपर केबल, यानी कि कॉपर केबल के जगह पर फाइबर ऑप्टिक्स का जो यूज होता है वो इनकी एडवांटेजेस के बेस पे होता है। सम ऑफ दीज बेनिफिट्स इंक्लूड हायर बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिटिंग स्पीड, यानी कि इसमें से जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एडवांटेज है वो है हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ट्रांसमिटिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है फाइबर ऑप्टिक केबल की, ठीक है। तो ये दो मेन बेनिफिट्स हैं जिसकी को देखते हुए आप कॉपर केबल की जगह पर फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करते हैं। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई परफॉर्मेंस डेटा नेटवर्किंग, यानी कि जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, या फिर अगर बोलें हाई परफॉर्मेंस डेटा नेटवर्किंग के लिए आप उसको यूज करेंगे। देन इट इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सच एज इंटरनेट टेलीविजन एंड टेलीफोन, इसके साथ साथ कॉमनली यूज्ड जो होते हैं आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल वो आपके टेलीविजन सर्विस में होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में होते हैं, टेलीफोन सर्विसेज में होते हैं और इंटरनेट में भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ यूजेस भी यहाँ पर बता दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, जैसा मैंने पीछे बताया था कि एक जो सबसे इनर सरफेस होता है दैट्स कॉल्ड द कोर, और उसके ऊपर जो सरफेस होता है दैट्स कॉल्ड द क्लैडिंग, और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है जैकेट, या इसको हम बफर जैकेट बोल देते हैं। तो कोर के अंदर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, जिसमें ट्रांसमिट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा क्लैडिंग लेयर, और जो जैकेट होती है वो एक से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं जो फिजिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर कोर बताया, फिर कोर के ऊपर जो लेयर है वो क्लैडिंग है, क्लैडिंग के ऊपर फिर हमने कोटिंग की हुई है, कोटिंग के ऊपर फिर एक लेयर है स्ट्रेंथ मेंबर, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर है दैट्स कॉल्ड द आउटर जैकेट। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस, जिस एप्लीकेशन के लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर यूज करना है उसके अकॉर्डिंग इसकी लेयर्स भी बढ़ती चली जाती, ठीक है। ये तीन लेयर तो होंगी कोर, क्लैडिंग और जैकेट, लेकिन उस जैकेट को हम बढ़ा सकते हैं, एक से ज़्यादा लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे केवल और केवल फिजिकल प्रोटेक्शन आपके केबल को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उसकी वेव गाइड, अगर मैं एक नाम दूँ तो वेव गाइड क्या है, किस तरीके से वो बना है, ये सारी चीज़ें, क्या एडवांटेज है जिस को देखकर यहाँ पर कॉपर केबल्स की जगह पर इसका यूज़ हुआ, और आप कहाँ कहाँ पर इसका
को देखते हैं मेनली। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का लेक्चर। आगे की नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। तो अब अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन एक देखें तो सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है, कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये कहती है ना, तो फाइबर ऑप्टिक्स ऑल्सो स्पेल्ड फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो FIBER है और कहीं कहीं पर आपको FIBRE लिखा मिलेगा, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहीं स्पेलिंग गलत तो नहीं। आप किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इज द साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा वॉइस एंड इमेजेस बाय द पासिंग ऑफ लाइट थ्रू थिन ट्रांसपेरेंट फाइबर। यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो एक साइंस है, इसके लिए ट्रांसमिट करने के लिए डेटा वॉइस इमेज इस तरीके की चीज़ों को, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ द लाइट फ्रॉम द थिन ट्रांसपेरेंट फाइबर। ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल या फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का मतलब है। ठीक, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक ट्रांसपेरेंट फाइबर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिखूँ फाइबर, ट्रांसपेरेंट फाइबर आपको दिख रहा होगा और यहाँ से लाइट आ रही है, एक लाइट ये है और एक लाइट रही ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रहा है लाइट सिग्नल वन और लाइट सिग्नल टू। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वेव्स यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर और इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कुछ इसका जो टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कैसे कैसे आप वहाँ पर उसको क्लासिफाई करेंगे। द बेसिक मीडियम ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज ए हेयर थिन फाइबर दैट इज समटाइम्स मेड ऑफ प्लास्टिक बट मोस्ट ऑफ्टन ऑफ ग्लास। कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक मीडियम है फाइबर ऑप्टिक्स का, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे आपके सर पर बाल होते हैं, इस तरीके से आपकी इतनी पतली पतली फाइबर्स की क्या होती हैं, ग्लासेस की होती हैं या फिर प्लास्टिक की बनी होती हैं वो। ठीक है, ए टिपिकल ग्लास ऑप्टिकल फाइबर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 125 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलें कि ग्लास और प्लास्टिक के मटेरियल के बने होते हैं आपके फाइबर्स, तो उसमें भी अगर हम देखें तो ग्लास ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका टिपिकली डायमीटर जो होता है 125 माइक्रोमीटर होता है, तो आप सोच सकते हैं कितना थिन होता है। या फिर अगर मैं बोलूं 0.125 mm, या फिर मैं बोलूं 0.005 इंच, तो इतना उसका डायमीटर होता है। देन दिस इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द क्लैडिंग। ठीक है, और आउटर रिफ्लेक्टिंग लेयर, तो ये जो है ये क्लैडिंग के लिए यहाँ पर बताया गया है। द कोर और इनर ट्रांसमिटिंग सिलेंडर, जो इनर है या कोर है, मे हैव ए डायमीटर एज स्मॉल एज 10 माइक्रोमीटर। तो आप अगर देखें जिसमें आपका डेटा ट्रांसमिट होना है कोर में, उसका जो डायमीटर होता है वो 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये एक टाइप को लेकर यहाँ पर बताए जा रहे हैं पैरामीटर्स, ऐसा नहीं कि सबके लिए यही पैरामीटर रहेंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस में या अलग अलग टाइप के जब हम ऑप्टिकल फाइबर डिज़ाइन करते हैं तो उनके लिए अलग अलग पैरामीटर्स भी असाइन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थ्रू ए प्रोसेस नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पे ध्यान देंगे, थ्रू द प्रोसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट रेज बीम्ड इनटू द फाइबर कैन प्रोपोगेट विद इन द कोर फॉर ग्रेट डिस्टेंस विद रिमार्केबल लिटिल एटीन्यूएशन। ठीक है, यानी कि जो आपकी वेव है या जो आपकी लाइट है वो जो ट्रांसमिट होगी इसमें कोर में, तो वो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से होगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, दैट्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इससे हम लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं विद लिटिल बिट एटीन्यूएशन या रिडक्शन इन इंटेंसिटी, क्योंकि आपको इंटेंसिटी की फॉर्म में ही लाइट को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। द डिग्री ऑफ एटीन्यूएशन ओवर डिस्टेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड द कंपोजिशन ऑफ द फाइबर। जो डिग्री है एटीन्यूएशन की ओवर द डिस्टेंस वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट और कंपोजिशन ऑफ द फाइबर, यानी कि किस मटीरियल का आपका ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ है, इस फैक्टर पे भी आपका
जो लॉसेज हैं या एटीन्यूएशन है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा और आपको डीपली पता चला होगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बोल दें या वेव गाइड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बोलें, इसको अगर वो पूछता है क्वेश्चन में तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर ही हेडिंग लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स या फिर वेव गाइड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे मैंने पहले यही डायग्राम आपको दिखाया था, एक जैकेट है ऊपर, उसके नीचे क्लैडिंग होती है और सबसे इनर कोर होता है। ठीक है, कोर का डायमीटर कंपेयर टू द क्लैडिंग छोटा होगा क्योंकि वो उसके अंदर होती है। फिर ऐसे ही क्लैडिंग का डायमीटर कंपेयर टू द जैकेट वो कम होगा क्योंकि जैकेट सबसे आउटर पार्ट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे होंगे कोर, तो कोर क्या है, इट इज द सेंट्रल ट्यूब ऑफ वेरी थिन साइज मेड ऑफ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एंड कैरीज द लाइट ट्रांसमिटर टू द रिसीवर एंड द कोर डायमीटर मे वेरी फ्रॉम अबाउट 5 माइक्रोमीटर टू द 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोर जो है वो सेंट्रल ट्यूब है एक वेरी थिन साइज की जो ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बनी होती है जिसकी हेल्प से लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है या कैरी किया जाता है ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। ठीक है, और जो इसका डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये कोर के बारे में हुआ। अब कोर के ऊपर जो लेयर है दैट्स कॉल्ड द क्लैडिंग। अब क्लैडिंग में क्या है, इट इज़ द आउटर ऑप्टिकल मटीरियल सराउंडिंग द कोर हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लोअर देन द कोर एंड क्लैडिंग हेल्प्स टू कीप द लाइट विद इन द कोर थ्रू आउट द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही आपकी लाइट या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो पाती है ट्रांसमिटर टू द रिसीवर विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये जो क्लैडिंग है ये आपका सराउंडेड होता है इसके ऊपर कोर के, और यही आपका हेल्प करता है कि आपका डेटा कोर में ही ट्रांसमिट किया जाए। उसके लिए क्या अरेंजमेंट होता है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा क्लैडिंग का, यानी कि जिस मीडियम का आपका क्लैडिंग बना होगा वो लोअर देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, यानी कि जिस मटेरियल का कोर बना हुआ है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्लैडिंग मटेरियल की बनी होती। ठीक है, जिससे कि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल सके। उसके बाद है नेक्स्ट वफर कोटिंग। ठीक है, लास्ट में वफर कोटिंग क्या है, जैसे आप वफर जैकेट नाम देते हैं वो यहाँ पर वफर कोटिंग भी लिखा हुआ है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ए प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रोटेक्ट द फाइबर मेड ऑफ सिलिकन रबर। ये एक तरीके से आपका प्लास्टिक कोटिंग होती है क्लेडिंग के ऊपर और जो प्रोटेक्ट करती है फाइबर को और बनी होती है सिलिकन रबर की। फुल स्टॉप। द टिपिकल डायमीटर ऑफ द फाइबर आफ्टर द कोटिंग इज 250 टू द 300 माइक्रोमीटर। जनरली अगर हम देखें तो आफ्टर द कोटिंग या जैकेट, ये इन तीनों लेयर्स का अगर हम डायमीटर फाइनली देखेंगे फाइंड आउट करके, देन वी गेट द 250 टू द 300 माइक्रोमीटर, इतना डायमीटर आपके ऑप्टिकल फाइबर का बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आप नॉर्मली अपने घरों में वायर भी देखते हैं तो कुछ वायर्स के ऊपर प्लास्टिक लेयर मोटी होती है, कुछ वायर्स के ऊपर प्लास्टिक लेयर कम होती है। ठीक है, तो वो उसी को फिजिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं जो आप केबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो अगर वेव गाइड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आपसे पूछ रहे हैं तो आपको ये डायग्राम बनाना है और कोर क्लैडिंग और वफर कोटिंग को आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि वर्किंग जो है वो इस पर डिपेंड करती है, या जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, TIR है। तो अब हम उसके बारे में लिखेंगे कैसे, तो हम देखेंगे यहाँ पर द वर्किंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर is total
इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में है टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जो टी आई आर है उसको भी अचीव करने की दो कंडीशंस होती हैं, वो क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। कलर चेंज करके देखें, थोड़ा सा ये लाइट हो रहा है यहाँ पर, और आई थिंक यहाँ पर साइज भी थोड़ा सा हम अपने पेन का बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखें, हाँ हम थे क्या कंडीशंस होती हैं टी आई आर को अचीव करने की। देयर आर, हाँ ये सही है, देयर आर टू, टी डब्ल्यू ओ टू, देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस फॉर गेटिंग टी आई आर, यानी कि टी आई आर को अचीव करने की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या कहलाती है, पहली कंडीशन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मस्ट बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, फुल स्टॉप। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कोर का वो मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मानता हूँ एन कोर के लिए, तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन फॉर द क्लैडिंग। ठीक है, इस तरीके से, या फिर म्यू भी आपको मिल जाएगा कहीं कहीं पर, म्यू फॉर द कोर मस्ट बी ग्रेटर देन द म्यू ऑफ फॉर द क्लैडिंग। और सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन कहती है, एक सेकंड, हाँ ये पेन आ गया, सेकंड सिचुएशन हमारे पास कहती है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जिस एंगल पर आपकी लाइट क्या होगी इंसिडेंस होती है, मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। मतलब जब कोई लाइट रे आपकी ट्रेवल करती है कोर में और वो टकराती है कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर, और वो लाइट आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी देगी वो आपका हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमें टी आई आर अचीव हो सके, दैट इज जो आपका थीटा आई है इंसिडेंट एंगल वो ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा सी या फिर फाइव सी हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का वो आपको पता चल गया। टी आई आर को अचीव करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशंस की नीड है, वो है फर्स्ट कि एन फॉर द कोर मस्ट बी ग्रेटर देन फॉर द क्लैडिंग, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर का वो हमेशा ग्रेटर देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि जिस एंगल पर आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए फ्रॉम द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट ऑप्टिकल फाइबर। इज दैट क्लियर, तभी आपकी लाइट रे टी आई आर अचीव कर पाएगी। ठीक, चल अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड उनको हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ से दो दो नंबर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो हम कलर लेते हैं वाइट। ठीक है, और ठीक, चलिए तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल एट विच, अभी जैसे मैंने पीछे बताया था, द एंगल एट विच, एक ऐसा एंगल जिस पर द इंसिडेंट रे या वेव आफ्टर रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन ग्रेजेस, ग्रेजेस मतलब क्या है, दैट इज मेक्स 90 degree angle with the normal ब्रैकेट क्लोज। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एंगल एट विच, जिस पर इंसिडेंट रे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की है और रिफ्रैक्शन के बाद जब आती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए विद द नॉर्मल, ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो वो एंगल आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा उस ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इतना ही यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आते हैं एक्सेप्टेंस एंगल पर। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, कुछ नाम से ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि एक्सेप्ट यानी कि ऐसा एंगल जिस पर एक्सेप्ट कर ली जाए रे या एक्सेप्ट कर ली जाए वेव, दैट्स कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे द मैक्सिमम एंगल, ठीक है, मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटर्स द कोर फॉर विच द TIR जस्ट अकर, ठीक है, जस्ट अकर्स एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल है जिस पर लाइट आपकी एंटर कर जाए कोर में और आपको TIR मिल जाए, यानी कि जस्ट TIR मिल जाए कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर, वो एक्सेप्टेंस एंगल आपका क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर बना के दिखाता हूँ दोनों के लिए, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसके अंदर मैं कोर बना लेता हूँ ये इस तरीके से, ठीक है। तो जब लाइट आपकी इस पर इंसिडेंट होती है और जब इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होती है, तो यहाँ पर जैसे ही लाइट पहुँचेगी कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर, इस पर, तो वो क्या होगी, यहाँ पर या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें चाहिए TIR, तो TIR के लिए हमें एक सिचुएशन हमारे पास है कि N1 मस्ट बी ग्रेटर देन N2, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। फिर वहीं पर जो एंगल है क्रिटिकल एंगल, उसके कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जिस पर रिफ्रैक्शन के बाद आपकी रे 90 डिग्री का एंगल बना ले। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एंगल 90 का बन रहा है ये, तो इस पर जस्ट आपकी लाइट जैसे ही इससे थोड़ा सा एंगल ज़्यादा होगा, 0.1 भी एक्स्ट्रा हो गया, तो देन यू गेट द TIR। इस तरीके से वो लाइट आपकी आगे नहीं जाएगी, उससे पहले ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, देन वी गेट द TIR। वहीं पर अगर एक्सेप्टेंस एंगल देखें तो एक्सेप्टेंस एंगल वो एंगल होता है जिस पर आपको कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर TIR अचीव हो गया हो, और वो आपका मेजर होगा यहाँ से ये, दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। आई होप दोनों का आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और थ्योरी मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखा दी है, जिसको आप एग्जाम में एज इट इज लिख लें, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो टर्म है, वो है न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर टॉपिक को लिख, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द साइन कॉस
टेन जो होता है साइन, अच्छा ये सिग्नेचर वाला मैंने साइन बना दिया है, ठीक है। SI, वन सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। द साइन SINE, द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर, ऑफ द फाइबर, ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड, ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर है साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि किसी फाइबर के लिए जो उसका एक्सेप्टेंस एंगल है अगर हम उसका साइन ले लेते हैं देन वी गेट द न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लाइट गैदरिंग, लाइट गैदरिंग, लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, लाइट सॉरी लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, फुल स्टॉप। यानी कि अगर हम दूसरी टर्म में बोलें तो दूसरी टर्म ये कहती है कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो एक तरीके से गैदरिंग कैपेसिटी को बताता है ऑप्टिकल फाइबर की, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में उस टाइम पर एक साथ 10 लाइट ट्रेवल कर सकती हैं, 20 कर सकती हैं, 50 कर सकती हैं, 100 कर सकती हैं, वो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर से ही पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल अपर्चर था। आगे है आपका फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंजेस, ठीक है। हाँ यहाँ पर तो ये क्या है, आप देख रहे होंगे इंडेक्स चेंजेस, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंजेस आते हैं उसको यहाँ पर हम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशो, द रेशो ऑफ चेंज इन, चेंज इन द रिफ्रैक्टिव, द रिफ्रैक्टिव इंडेसिस, इंडेसिस बहुवचन है इंडेक्स का, इंडेसिस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, ऑफ कोर एंड क्लैडिंग टू द, टू द रिफ्रैक्टिव, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, ठीक है। दैट इज जैसे मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अगर हम लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज जो होगा फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज डेल्टा इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन n1, जहां पर n1 क्या है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 क्या है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और n1 हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए n2 के, तो इसीलिए n1 में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है n2। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक 1 माइनस n2 अपॉन n1, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्टेंस कोन पर। एक्सेप्टेंस कोन क्या है? इट शोज द मैक्सिमम एंगल रेंज फॉर ऑप्टिकल फाइबर अंडर विच, अंडर विच ऑल द रेज आर ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड
इंटू कोर, ठीक है, यानी कि इट शोज द मैक्सिमम एंगल रेंज फॉर ऑप्टिकल फाइबर अंडर विच ऑल द रेज आर ट्रांसफर्ड इंटू कोर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक कोर बनाऊँ और उसके ऊपर एक क्लैडिंग बना दूँ और ये आपका ऑप्टिकल फाइबर बना देता हूँ, ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर बन गया। तो ऑप्टिकल फाइबर ये ऑप्टिकल एक्सेस हो गया जिसके अलॉन्ग आपकी लाइट ट्रेवल करेगी कोर में। तो आप यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ मैक्सिमम एंगल ये है और एक इधर की साइड में देखता हूँ मैक्सिमम एंगल ये है, तो ये आपकी एक रेंज हो गई। इनकी इन एंगल्स के अंदर जितनी भी लाइट से एंटर करेंगी या स्ट्राइक करेंगी वो सब ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट कर जाएंगी, और यही एक एंगल जो है अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूँ तो एक कोन का रूप ले लेती हैं, दैट्स कॉल्ड द एक्सेप्टेंस कोन। तो एक्सेप्टेंस कोन एक ऐसा कोन है जो मैक्सिमम एंगल रेंज प्रोवाइड कराता है जिस पर ऑप्टिकल फाइबर में आपकी सारी रे या उसके अंदर जितनी भी रेज आपकी एंटर करेंगी उस एंगल के, वो आपका ट्रांसफर होगा या वो अचीव करेगा TIR। ऑल दैट क्लियर? तो इसकी शेप एक्सेप्टेंस कोन की तरह होती है तो इसलिए इसको एक्सेप्टेंस कोन नाम दे दिया गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की सारी टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये दो और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मेरी डायगोनल रे क्या है या स्क्यू रे क्या है। तो पहले मैं आपको मेरी डायगोनल रे के बारे में लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम बना लेते हैं, इसमें लिखेंगे हम वन सेकेंड द रेज, द रेज that passes through the axis of the optical fiber are known as meridional rays, ठीक है। वहीं पर अगर हम स्क्यू रे की बात करें, अभी डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा, द रेज दैट ट्रेवल थ्रू थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर through an optical fiber without passing through optical axis ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी रेज जो आपकी ट्रेवल करती हैं ऑप्टिकल फाइबर में विदाउट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहीं पे आपको एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये कोर हो गई, ये आपकी क्लैडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको इस तरीके से। तो अगर आपकी रे ट्रेवल कर रही है ऑप्टिकल फाइबर में कुछ इस तरीके से, तो ये ऑप्टिकल एक्सिस से होकर जा रही है, ठीक है, तो ये आपकी मैरी डायगोनल रेज कहलाएंगी। वहीं पर अगर कुछ रे आपकी ट्रेवल कर रही है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, एक सेकेंड, जैसे ये रे एंटर करती है, ये वाली इधर वाली रे अगर एंटर करती है इस ऑप्टिकल फाइबर में और फिर ये आपकी ट्रेवल करती है और ऐसे जाती है, फिर ट्रेवल करती है ऐसे जाती है, फिर ट्रेवल करती है ऐसे जाती है, मतलब ये आगे तो बढ़ रही है लेकिन ये ऑप्टिकल एक्सिस को क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो दीज रेज आर कॉल्ड द स्क्यू रेज, ठीक है। तो वो रेज आपकी स्क्यू रे कहलाएंगी, ठीक। तो ये कुछ टर्म्स थी आपकी ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जिनको हमने समझा और आपको एक्सप्लेन किया, और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को सारी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचें, हाँ ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम पहुंचते हैं तो वहां पर है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल एंड न्यूमेरिकल अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपका डेरिवेशन बनता ही बनता है। लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में भी ये डेरिवेशन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए सॉरी, पहले इस डायग्राम को हम देख लेते हैं और इसमें अपनी नोटेशंस को लिख लेते हैं, क्या क्या नोटेशंस यहाँ पर हमको रखनी है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक इंसिडेंट रे यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक, और इस इंसिडेंट रे को हम रे वन नाम दे दें अगर, तो ये रे वन जो है ये स्ट्राइक करती है आई एंगल पर, दैट्स कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल आई एट द सरफेस ऑफ द कोर। कोर सरफेस में एंटर करती है आपकी रे फर्स्ट एक एंगल पर, दैट्स कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको नाम दूँ थीटा आई, इंसिडेंट एंगल भी दे देते हैं थीटा आई। ठीक है, तो ये आपका थीटा आई एंगल है। क्लियर हुआ? आगे जाकर जब ये एंटर करती है किसमें, कोर में, तो यहाँ पर इसका एंगल मिलता है आपको रिफ्रैक्शन एंगल स्मॉल आर। ठीक है, और वो स्ट्राइक करती है बी पॉइंट पर, और मैं अगर बोलूँ इसको ये ए पॉइंट है, तो ए बी रे हो गई अब जो स्ट्राइक कर रही है कोर में, है ना। फिर ये आगे जाके कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर स्ट्राइक करती है, दैट दिस इज कॉल्ड द सी पॉइंट, यानी कि सी पॉइंट पर जाकर ये स्ट्राइक करती है। और अगर हम यहीं से नॉर्मल लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर आपको एक डी पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जिस अगर किसी मीडियम के सरफेस पर आपकी लाइट आकर टकराती है और उसी मीडियम में वापस हो जाती है, वो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स इफ इट इज थीटा, इट ऑल्सो बिकम्स टू द थीटा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोर और क्लैडिंग, जो बाहर वाली है वो क्लैडिंग है, कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन वन है, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन टू है। यहाँ पर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाता है जिसकी हेल्प से आपकी रे आगे मूव ऑन हो जाती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने थोड़ी सी नोटेशंस अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर ली हैं जिसकी हेल्प से आपको डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं, हम डेरिवेशन करेंगे और एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स में। जैसा कि आपने पीछे डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं तो आप उनको भी रिलेट कर पाएंगे। जैसा हमने न्यूमेरिकल अपर्चर में लिखा था कि साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल, तो वहाँ से आपको पता चलेगा जब हम न्यूमेरिकल अपर्चर निकालेंगे, कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं और जल्दी से मैं इस पे नोटेशंस आपकी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ जो हमने मानी थी। इंसिडेंट रे ए वी पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करती है, ये एंगल हमने थीटा माना हुआ है जिस पर स्ट्राइक करती है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, यहाँ पर थीटा आई था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये एंगल थीटा है, इसी पर एंगल आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। ठीक है, कोर और क्लैडिंग का सरफेस है, ये जिस पर स्ट्राइक करती है पॉइंट पर वो सी है कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर, और ये डी पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इंडिकेट कर दी। ठीक, तो आप लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, क्योंकि बी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस जो आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट आपकी स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो जब हम बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन के साथ थीटा आई अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, वो इक्वल टू होता है जिस मीडियम से आपकी लाइट आई थी, ठीक है, वो हो जाता है इसके अपॉन में, और जिसमें गई है वो आ जाता है ऊपर। यानी कि दोनों साइड जो होता है वो इन्वर्ट होता है एक दूसरे का, क्योंकि आपकी जो लाइट आ रही है वो एयर से आ रही है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन नॉट, वहीं पर जिस मीडियम में गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन वन, तो इसलिए आपका एन वन अपॉन एन टू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन नॉट ड्यू टू द या अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, जो हमने वी पॉइंट पर जहाँ पर स्ट्राइक कर रही है आपकी कोर में लाइट वो अप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको लिखें एन नॉट साइन थीटा आई इक्वल्स टू एन वन साइन आर, ठीक है, चूंकि एन नॉट क्या है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वन, तो इसलिए हम यहाँ पर वन पुट कर देंगे, देन वी गेट साइन थीटा आई इक्वल्स टू एन वन साइन आर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाती है पहली टर्म।
ठीक, और इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्नेल्स लॉ आपका बहुत ईजी अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो वही हमने अप्लाई किया है बस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल देखते हैं, बी सी डी ट्राइंगल जो है आपका, ये बी सी और डी, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि आर प्लस थीटा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस ये वाला एंगल जो थीटा है वो इक्वल है 90 डिग्री के, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो आर इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा आई इक्वल्स टू n1 साइन 90 माइनस थीटा, और साइन में 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो n1 कॉस थीटा ये आपका बन जाएगा साइन थीटा आई, पुट हियर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में आपका आ जाता है साइन थीटा इक्वल्स टू n1 कॉस थीटा। ठीक, वहीं पर लिखेंगे इफ जो थीटा एंगल है वो लगभग लगभग बराबर है किसके, क्रिटिकल एंगल के, थीटा सी या फाई सी आप लिख सकते हैं, देन, तो जब ये क्रिटिकल एंगल के लगभग इक्वल हो गया है तो जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका मैक्सिमम एंगल होगा जिस पर लाइट आपकी इंसिडेंट करती है, या फिर हम बोलें एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, तो हम इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर दें, देन इक्वेशन सेकेंड बिकम्स साइन थीटा आई मैक्स इक्वल्स टू n1 कॉस थीटा सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर नोटेशंस नहीं है तो जल्दी से मैं नोटेशन लिख देता हूँ। ए बी, ये वाला एंगल जो है ये थीटा आई है, ये आर है एंगल, ये हमने थीटा माने हुए हैं, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, यहाँ पर एन नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर एन टू है और यहाँ पर n1। ठीक है, यही नोटेशंस की हमें नीड होती है। ऊपर आप देख रहे होंगे कि n1 हमेशा ग्रेटर देन होगा n2 से, क्योंकि हमें TIR चाहिए। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड तक हम पहुँच गए थे, अब हम अप्लाई करेंगे सेम स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी। तो नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी। ठीक है, अगर हम पॉइंट सी पर करते हैं तो सेम सिचुएशन, पहला मीडियम n1 है, वहां पर आपकी लाइट स्ट्राइक कर रही है थीटा एंगल पर जिसको आपने थीटा सी माना हुआ है, तो यू कैन राइट हियर साइन थीटा सी अपॉन, फिर दूसरे मीडियम पर जब जा रही है तो वो नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दैट्स कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए। ठीक है, तो ये आपका साइन 90 होगा दूसरे मीडियम के लिए, है ना, इक्वल्स टू पहले मीडियम से आई है तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो दैट मीन्स साइन थीटा सी बिकम्स n2 अपॉन n1। और अगर यहाँ से मैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन इनवर्स n2 अपॉन n1, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जो है कि रेशो n2 अपॉन n1 साइन इनवर्स के साथ, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे, सिंस
वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए फाइंड आउट करना चाहूँ, देन वी गेट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? तो इसी फॉर्म में अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा सी इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, और साइन थीटा सी की वैल्यू हमें पता है, तो वो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो वन माइनस एन टू अपॉन एन वन का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? देन यू कैन ऑल्सो राइट हियर कॉस स्क्वायर थीटा सी इक्वल्स टू वन माइनस एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन का होल स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट हियर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू का होल स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन का होल स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट हियर कॉस थीटा सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन। जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक, अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, लिखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। This value into equation third, then we get, तब हमें क्या मिलता है कि जो साइन थीटा आई मैक्स हम लिख रहे थे वो इक्वल टू हो जाएगा, या फिर हम उसको लिखें साइन थीटा ए, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल ही है इंसिडेंट, जो मैक्सिमम एंगल होगा जो आपने एक्सेप्टेंस कोण पढ़ा था, है ना, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में एन वन जो है वो कट आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है एक्सेप्टेंस एंगल की। यहाँ पर अगर मैं एक्सेप्टेंस एंगल निकालना चाहता हूँ तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू आ जाती है। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेरिवेशन। ठीक है, यू कैन पुट हियर इक्वेशन नंबर फोर। ठीक, चलिए अब आगे लिखेंगे। सिंस, जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा था, न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है इज साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, है ना, एक्सेप्टेंस एंगल, देन तब क्या होगा, जो न्यूमेरिकल अपर्चर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा ए के। ठीक है, और साइन थीटा ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यू कैन पुट हियर इक्वेशन नंबर फाइव, और ये वैल्यू हो जाती है न्यूमेरिकल अपर्चर की। ये सारे फॉर्मूले आपको काम आएंगे जब आप इस यूनिट के न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे आसान न्यूमेरिकल जो हैं वो इस यूनिट के हैं, पूरी फिजिक्स में कुछ नहीं करना है, 6 से 7 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और 5 या 7 नंबर में जितने भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपके 100% पक्के हो जाएंगे, और आपको गारंटी ले रहा हूँ 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगे भी नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, चलिए अब अगर और इसको दूसरी टर्म में लिखना चाहें तो वी नो दैट रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट किया था वो क्या था, डेल्टा इक्वल्स टू एन वन माइनस एन टू अपॉन एन वन। यू कैन ऑल्सो राइट हियर वन माइनस एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आप n2 अपॉन n1 की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा।
ठीक है, तो एन टू अपॉन एन वन की वैल्यू आपके पास आ गई है, और अगर आप एन ए की वैल्यू देखें यहाँ पर या फिर साइन थीटा ए की वैल्यू देखें, तो अगर आप इसमें से एन वन स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं या कॉमन ले लेते हैं, तो आपका एन वन तो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में यानी कि स्क्वायर रूट में आपके पास क्या बचेगा, वन माइनस एन टू अपॉन एन वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें एन वन ब्रैकेट में वन माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है, और अगर आप इसको ओपन करें तो एन वन तो आपका यहीं रहेगा ब्रैकेट में वन माइनस वन प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस टू डेल्टा, ठीक है, और जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यू कैन गेट यू गेट एन वन स्क्वायर रूट ऑफ टू डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है चूंकि डेल्टा इज वेरी स्मॉल, तो जब आप उस स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, सो डेल्टा स्क्वायर विल बी नेगलेक्टिंग, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो तब आपको एन वन ब्रैकेट टू डेल्टा की पावर वन बाई टू यहाँ पर मिल जाएगा एन ए का न्यू फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी, तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर का दूसरा फॉर्मूला हो गया जिससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन इक्वल्स टू एन वन ब्रैकेट में टू डेल्टा की पावर वन बाई टू, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल अपर्चर का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जितनी भी टर्म्स थी यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वो भी आपको पता चल गया होगा, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की वेवगाइड क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन यहाँ से बनता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सेशन को देखने के लिए आपका थैंक यू, और मैं आपको कहना चाहता हूँ हर बार की तरह कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, अगर आप लाइक नहीं करना चाहते मत, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बता दें कि हाँ सर लेक्चर समझ में आया है, लेक्चर अच्छा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट करें, जिससे कि हम और कोशिश करें कि हम और बेहतर तरीके से आपको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जिससे कि सबकी समझ में आ जाए, क्योंकि हमें एक बच्चे को लेकर नहीं चलना है, जितने भी इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए हुए हैं उन सबको हमें लेकर चलना है। साथ ही अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि डे टू डे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नोट्स के लिए बच्चे कहते रहते हैं कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे सर, तो मैं हर वीडियो में लगभग आपको बताता हूँ, और हमने ऐड भी कर रखा है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डे बाई डे इन्फॉर्मेशंस या फिर जब यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वहाँ पर नोट्स आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं सभी लेक्चर्स के। ठीक है, और भी कोई क्वेरी हो तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।